इंदौर शहर में सोमवार से अनलॉक दो के तहत कई क्षेत्रों में छूट बढ़ाई गई है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि बाजार में निकलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके और लोग जागरूक होकर इससे बचाव के तरीके अपनाएं। शहर अब धीरे धीरे सामान्य होने की ओर है। पिछले सप्ताह मिली छूट के बाद रविवार शाम जारी हुए आदेश के बाद और बढ़ा दिया गया है। शहर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इस छूट को लेकर लोगों में जागरूकता की भी जरूरत है, इसलिए वो खुद और प्रभारी मंत्री के साथ सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में आज से घूमेंगे और लोगों के साथ दुकानदारों को जागरूक करेंगे। इस दौरान दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क नहीं पहने लोगों को सामान नहीं देने का आग्रह किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की टीम गाइडलाइन तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही करेगी। इससे पहले जिन दुकानदारों ने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था उनकी दुकानें भी सील करने की कार्यवाही हो चुकी है। देखिए, आज भी बैठक थी और सभी जनप्रतिनिधियों के अच्छे सुझाव आए और उन सुझावों के आधार पर आदेश निकला है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर की तरफ है और उसी को ध्यान में रखते हुए अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी दुकानों को खोला गया है, राशन की दुकानों का समय बढ़ाया गया है। देखा जाए तो किसानों की जो मांग थी, खास करके उनके यहाँ प्याज बहुत था और प्याज की डिमांड थी और ये मौसम भी ऐसा था कि बारिश आने के पहले प्याज बिके, तो प्याज की मंडी चालू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खोलने की बात कही तो वहाँ स्थानीय जो हमारी कमेटी है वो बैठ के निर्णय लेगी कौन कौन दुकान ग्रामीण क्षेत्र में खुले। शहरी क्षेत्र में किराने का समय बढ़ाया गया है और थोक व्यापार बढ़ाया गया है, उसमें समय दिया गया है। स्टेशनरी, क्योंकि अभी स्कूल ऑनलाइन स्कूल चालू हो गया ऑनलाइन, तो उसको देखिए पूरी स्टेशनरी की और बुक की जो दुकानें वो चालू की गई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब अनलॉकडाउन की ओर है, पर मैं जनता से ये निवेदन करूँगा कि आपने बहुत साथ दिया, बहुत धैर्य के साथ आपने इस चुनौती को सहा है। अब थोड़ा समय और है पूर्णता की ओर खुलने की ओर, तो थोड़ा साथ देंगे तो बिल्कुल हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे।